सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार धाम में से एक धाम द्वारिका की। द्वारिका कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी है व एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। आज हम जानेंगे कब कैसे डूबी द्वारिका नगरी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। तो आइए जानते हैं कृष्ण की नगरी द्वारिका के बारे में। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक ही उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तो तरह तरह के अपशगुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कणव, देवर्षि नारद आदि का द्वारका आना हुआ। वहां यादव कुल के कुछ नव युवकों ने उनके साथ परिहास मजाक करने का विचार किया। वह कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्टि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य ही सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने उस मूसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्टि व अंधक वंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। द्वारिका में होने लगे थे भयंकर अपशगुन। इसके बाद द्वारिका में भयंकर अपशगुनों का प्रारंभ हुआ। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल नाखून कुतर कर खा लिया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुतियाओं से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशगुनों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है।
इन अपशगनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही युग बन रहा है जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्णी वंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन ने उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युमन अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई और उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, शिनी और विष्णी वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेष्ण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक श्री कृष्ण के सारथी ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारिका लौट गए। द्वारिका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आने वाले हैं, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हो चुके हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकलता है और समुद्र की ओर चला जाता है। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया और महायोग समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां पर आया हुआ था। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वे अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत किया।
इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारिका चल दिए। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से बोले। अर्जुन को देखकर वसुदेव जी बिलक बिलक कर रोने लगे। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊँगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र डुबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से सातवें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयार हो जाएं। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा से पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गईं। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। सातवें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।